पिछली बार के जो बापू बाजार जो है लगाया गया था, उसकी क्या विशेषता थी? जो बापू बाजार हमने पिछले दो आयोजित किए हैं, दोनों में हमने पुराने वस्त्रों, जूता चप्पल और खिलौने, किताब कापियों के साथ साथ हमने नए, जैसे कंबल है, स्वेटर्स है, कुछ कपड़े हैं, कुछ खिलौने हैं, और उसके साथ पिछले जो 2019 को बापू बाजार 30 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया था, उसमें छात्राओं की तरफ से ये कोशिश की गई, उन्होंने कुछ सब्जियां हैं, मटर फली है, आलू है, इस तरह की चीज़ों को जो खरीद नहीं सकते कि 50 रुपये किलो की मटर फली मिलती है मार्केट के अंदर, गरीब आदमी उसके बच्चे ये सोचते हैं कि हम भी इसे खा सकें, तो उन्होंने 5 रुपये किलो उन्हें प्रोवाइड कर दिया था, तो उससे काफ़ी उत्साह था। और यही दो एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं इस कॉलेज के बापू बाजार के आयोजन के, और उससे ही प्रेरित होते हुए हमने आगे इस कार्यक्रम को कंटिन्यू रखने का निर्णय लिया है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, कस्बे से क्या अपेक्षा रखते हैं अपने कार्यक्रम को लेकर? मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो लोगों की मदद के लिए आगे आएं, अपनी ज़रूरतों की वो वस्तुएं जो उनकी अब ज़रूरत में नहीं, इस्तेमाल में नहीं रह गई हैं, वो वस्तुएं, वो वस्त्र या नए भी वस्त्र वो प्रोवाइड कर सकते हों तो उसे इस बाज़ार में उपलब्ध कराएं। क्योंकि मुझे एक पिछले साल एक इंटरव्यू, जब इस बापू बाजार से ख़रीदारी करके लोग बाहर निकल रहे थे, तो एक चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया, उसने बड़े ही प्राउडली कहा कि ये हमने ख़रीदा है, और कोट पहने हुए था, उससे लोगों ने पूछा कि ये कोट तुमने कहाँ से लिया, बोला हमने बापू बाजार से 10 रुपये में ख़रीदा है। तो ये फीलिंग जो उनकी है, ये हमें सुकून देती है कि वो उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंट है, मुस्कान है कि हमने चीज़ ख़रीदी है, हमने किसी से दया के रूप में हमें मिली नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, यही वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर का, पूर्वांचल विश्वविद्यालय सुंदरलाल जी का सपना था कि लोगों को ससम्मान सहायता की जा सके। हम उनके इस मिशन को, उनके इस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये तीसरा बापू बाजार फरीदुलहक मेमोरियल डिग्री कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमें जो सहयोग प्रदान कर रहा है JCI संस्कार शाहगंज और JCI संस्कार खेतासराय, मैं और भी संस्थाओं से, इस क्षेत्र की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हों और क्षेत्र के लोगों को, गरीब निर्धन परिवारों को सहायता, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें।